एक्सरसाइज का नेक्स्ट आपने सिंथेटिक डिवीजन सीख रखी है, उसको अब आपने किसी भी अननोन को फाइंड करने के लिए कैसे यूटिलाइज करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मैथ के अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है इन टाइम मिलते रहें। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इज वन, कि हम वन पे सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है, हमें ये कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए हमने अननोन एच को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम वही है कि आप इस जो पॉलीनोमियल है इसके वो ले लें, कोएफिशिएंट्स ले लें, सब टी के साथ एक्स स्क्वायर पहले आएगा उसका कोएफिशिएंट, फिर एक्स का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट टर्म आने वाली है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अभी आप डिवाइड इस पे करेंगे वन पे, क्योंकि आपको इसका रूट जो है वो वन दिया गया है, तो आप थ्री को डाउन करें, थ्री को मल्टीप्लाई करें वन से, तो आपके पास क्या आता है थ्री आता है, इसको अभी हमारे पास प्लस हो जाएगा ये फोर और थ्री बाकी आ जाएगा सेवन, तो वन को सेवन से करेंगे तो हमारे पास सेवन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं सेवन माइनस एच, यानी कि माइनस वाली वैल्यू हमने बाद में लिख ली। एज हमें गिवन है, जैसा कि हमें गिवन है कि वन जो है इस पॉलीनोमियल का जीरो है, यानी कि वन को जब हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर आना चाहिए था जीरो, लेकिन हमारे पास आ रहा है सेवन माइनस एच, तो हम देखेंगे बाय कंडीशन, बाय कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। बाय कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या होना चाहिए जीरो। तो इस तरह से मेरे पास रिमाइंडर अगर जीरो है तो रिमाइंडर की वैल्यू तो सेवन माइनस एच है, इसका मतलब ये जीरो रखी जा सकती है, तो ये माइनस एच अगर दूसरी तरफ जाएगा तो वो सेवन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू अभी सेवन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने क्या करना है सिंपली जो रूट आपको दिया गया आपने उसको इक्वेशन के जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे उन पे डिवाइड करना है, सिंथेटिक डिवीजन कैरी आउट करनी है, उसके बाद आपको जो रिमाइंडर मिलेगा उसे जीरो पुट करना है और उसकी फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको उस अननोन की वैल्यू दे देगा।